को हमारे सपोर्ट में, हमने सिर्फ एक कॉल किया था कि हमारे साथ में जाती हुई है, हमारे साथ में बदतमीजी हुई है, तभी पूरा देश हमारे साथ में उठ के आया हमारा हौसला और हमारा समर्थन देने के लिए। तो तय दिल से हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे हम, उनके बिना ये लड़ाई अधूरी रहेगी हमेशा। वो है तो हम है, उनकी ताकत है तभी हम जीत सकते हैं। आपको भी पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक जो किया है हम उसके हमेशा तय दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब FIR हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे, जो भी आदेश दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द, दो लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे, अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपके माध्यम से कहाँ पे इंजर, जब हम झगड़ा ये चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहाँ पे, सिर्फ मेल्स थे। अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए। जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है, तो वो तो कहानियाँ बनाने वाली बात है अपनी चीज़ को ऊपर दिखाने के लिए। कोई दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के लिए काम कर रही है अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है, तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पर जैसे हम बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं जो दिल्ली पुलिस कर रही है हमारा नाम लेके। और जितने भी दिल्ली पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम यहाँ पे, हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं हैं। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। अगर उनको कुछ भी होता है, अगर जो भी लोग दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार भी दिल्ली पुलिस ही होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेन करना, ठीक है आपने डिटेन कर लिया, आप व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, हम उसका सम्मान करते हैं, हम भी हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहते, हम भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आक्रामक होके अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ भी करेगी तो उसका उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को लेनी पड़ेगी, और दिल्ली पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी। देखिए अभिनेश ने बता दिया है वो कि भाई हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और दिल्ली को हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो वो जो हमारी लीगल टीम हमें, क्योंकि अभी 100 दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील था उन्होंने बताया कि भाई हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम 164 के बयान करवाएंगे। धरना जारी रहेगा? जी धरना जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। बात वही है, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। इसमें आपने बोला है कि राजनीतिकरण ना हो, क्या आपको लगता है कि वांडे में पिछले 4-5 दिनों में आपके इस आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है जिससे आपको नुकसान हो रहा है? देखिए राजनीति, मैंने पहले भी हमें यही बोला था कि आप समर्थन करिए यार, राजनीति मत करिए। लेकिन कल जो हुआ कि भाई हम यहाँ पे समर्थन देने के लिए आइए, आप सभी का वेलकम है, क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है। लेकिन अब हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहते कि भाई एक पार्टी आके भाई हाँ हम इसको यहाँ पे पंचायत करेंगे, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि हमारे जो खाप पंचायतों के जो प्रधान है, जो किसान संगठन है, जितने भी चाहे वो मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, महिला संगठन है, स्टूडेंटों का संगठन है, उनसे हम बात करके वो चीज़ें हम करेंगे। आप समर्थन के लिए आइए, आप सभी का तय दिल से यहाँ पे आने के लिए स्वागत है। लेकिन जो भी फैसला होगा हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं,
हर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है हमारी खाप पंचायतें लेती हैं, जो भी वो फैसला लेंगी हम उनका उनका फैसला होगा उनका पालन करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, प्रोटेस्ट हमें पता था कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कितना, हर किसी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि प्रोटेस्ट करने से उनके वो बदलेंगे। कानून बोलते ना अंधा होता है, तो कानून जज्बातों को नहीं देखता, कानून सही गलत का फैसला इतना जल्दी लेता तो हमारे देश में इतने केस पेंडिंग ही नहीं होते। कोर्ट कभी नहीं बोलता अरेस्ट करने के लिए, ये पुलिस के हाथ में होती है, पहले पूरे बयान होंगे, बयानों के बाद वो अरेस्ट होंगे पता चलेगा। तो ये मत सोचो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है तो हम निराश हो गए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होता बोलना कि अरेस्ट करो। सुप्रीम कोर्ट का जो काम था उन्होंने वो कर दिया, FIR करवाई है उन्होंने, और बाकी का जो काम है वो पुलिस जब पूरा बयान लेगी उसके बाद प्रोसीडिंग होगा। तो मेन कहने का यही है कि धरना चालू रहेगा और डिमांड हमारी सेम रहेगी। साक्षी अभिनेश, आपका जो कल रात को हुआ उसके बाद अभी आपके कत्ते वो ले गए हैं, जनरेटर आपके पास नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं, माइक नहीं है आपके पास, तो ये ऐसे ही आप धरने पे रहेंगे या इसमें अब आप कुछ और करने का सोच रहे हैं? मैडम जब तक जान है ना जब तक हमारी हिम्मत बनी रहेगी। निकाल लेंगे ना तब तक हिम्मत नहीं टूट सकती, हिम्मत जब तक रहेगी लड़ाई लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। ब्रजभूषण को जब तक अरेस्ट नहीं करवाया जाता तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। वो गलत है, वो हमने नहीं नहीं हमारे नाम से अम्मी मैं बताती हूँ आपकी, मैं बात समझ गई, जो लेटर है मैंने ट्विटर पर भी इसी चीज़ को डाला, हमने कोई ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा। हमें वही बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसा सामाजिक तत्व जो बिगाड़ना चाहते हैं माहौल को, जो हमारे थ्रू कुछ भी चीज़ें पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर कुछ भी जाएगा तो ऑफिशियली जाएगा, हमारे अकाउंट से जाएगा या हम मीडिया के थ्रू हम हमारे उससे बोले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कोई भी कुछ भी लिख के अगर कुछ भी कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम कम्प्लीटली उसको डिसएग्री करते हैं। बजरंग जी आज थोड़ी कर रहे हैं, आज बैरिकेड्स लगा के बॉर्डर को सील किया है, गीता फोगाट भी आ रही थी उनको भी रास्ते में रोक दिया गया है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस पे दबाव बढ़ता जा रहा है इसीलिए वो यहाँ आंदोलन में आपके साथ लोगों को जुड़ने से रोक रहे हैं? देखिए जितने भी लोग समर्थन में आ रहे हैं ये कोई आतंकवादी नहीं है, ना ये गोला बारूद लेके आ रहे हैं, ना ये कोई दंगा करने आ रहे हैं, सिंपल सीधे लोगों को जो हमारे जितने भी हमारे दादा चाचा ही, हमारे सभी दादा ही हैं, हम सब के छोटे बच्चे ही हम, तो वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारा दर्द देख के वो आ रहे हैं, उनको डिटेन करना बहुत दुख की बात है। हम खिलाड़ी यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, हमारे परिवार वाले उधर दुखी हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस को खुद पे शर्म करनी चाहिए कि जिस ब्रजभूषण को वो बचाने में लगे हुए हैं उसके ऊपर कार्रवाई ना करके हमारे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो शर्म की बात होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। हम कड़ी निंदा करते हैं दिल्ली पुलिस की इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद कि हमारी एक कॉल पे इतने आए, बाकी बहुत सारे बच्चे अखाड़ों को अभी भी रोका गया है, मतलब वेलकम कर रही हैं सब लोगों को। आप बोलिए सर। मैं यही कह रही थी कि बहुत सारे अखाड़ों को रोका गया है, उसके बावजूद भी हमारे समर्थन में इतने आ पहुँचे हैं कैसे भी करके, और जो नहीं आ पाए वो भी हमारे समर्थन में है। सारे अखाड़े सबको रोका जा रहा है, बहुत सारे को जैसे कि हमने बताया डिटेन कर लिया है और अभी तक भी नहीं छोड़ा गया, मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं छोड़ा गया, तो मतलब टॉर्चर ही हुआ है। रात को 1 बजे पकड़ा था और अभी भी शाम के कितने बज गए कि अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा, तो टॉर्चर ही है ये एक तरीके का। आपने कहा राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं लेकिन खेल जगत से अभी तक कोई बड़ा नाम आपका समर्थन करने के लिए क्यों नहीं आया? आपने पहले भी कहा था क्रिकेटर्स ने आपका समर्थन नहीं किया। क्रिकेट से बड़े मैं मानती हूँ कि ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो है हमारे देश में, वो किसके समर्थन में बैठे हैं? मैंने क्रिकेटर्स का क्यों बोला था, क्योंकि पूरा देश उनको ऐसे सराखों पे बिठा के रखता है, तभी तो हम बोलते ना ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करो, ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उसको आप प्रमोट करो, वो है असली हीरो ओलंपिक स्पोर्ट्स में। और कपिल देव जी क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं है क्या? उन्होंने सपोर्ट किया है, वीरेंद्र सहवाग जी ने सपोर्ट किया है, जिनमें इंसानियत बची है, जिनमें ह्यूमिलिटी बची है,
जो जिनकी आत्मा जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। कौन जी? देखिए, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, पहले भी बताया, हमारी लड़ाई ब्रिजभूषण से है। और मैं तो आपके, जब मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो मैं तो उनको भी बोलता हूँ कि आप भी आइए, क्योंकि आप हमारे हरियाणा के मुखिया हैं, आप हमारे परिवार के सबसे बड़े आदमी हैं, आप आइए, आप भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भारत की बेटियों का न्याय दिलाने का मामला है, तो आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? लास्ट टाइम जब कमेटी बन रही थी तब तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हम बच्चियों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, साथ में है। जैसे ही FIR हो गई तो अभी वो साथ कहाँ चला गया? बिल्कुल क्यों नहीं है उम्मीदें? हम हरियाणा से आ रहे हैं, हम जब हम मेडल जीत के आते हैं तब वो सम्मानित करते हैं, तब वो हमें मंच पे बुलाते हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारा गौरव है, ये बातें। तो वो गौरव आज सड़कों पे भटक रहा है, तो वो गौरव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो बिल्कुल हमारी डिपेंड है कि हरियाणा के जो CM उनको संज्ञान लेना चाहिए हमारे मामले पे। जी बिल्कुल, मैं जो बयान दिया हम अपने बयान पे कायम है, और जब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अगर जब ये लगेगा कि भाई हाँ कुछ नहीं हो रहा, हम अपने मेडल सरकार को, जो सरकार ने हमें दिया, हम वापस दे देंगे, वो चीज़ हम बता देंगे। जब डेडलाइन का टाइम आएगा जब वो भी बता देंगे, अभी तक डेडलाइन कुछ नहीं है।